Hello everyone, welcome to the my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss some problem on inverse Laplace transform. तो इसके पहले हमने कुछ theorems के ऊपर questions कराए थे. आज हम देखेंगे कि कुछ और question किस तरह से हो सकते हैं, जैसे partial fraction type, या फिर अगर उससे भी ना हो तो फिर कुछ questions अदर तरीके से भी होते हैं. तो कुछ इस तरह के questions भी आते हैं जो हम आज discuss करने वाले हैं. तो चलिए start करते हैं. तो क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस प्लस 8 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5. ठीक है, तो हमें फाइंड करना है लाप्लास इनवर्स एस प्लस 8 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 से हमें फाइंड करना है. तो देखिए यहाँ पे जल्दी कुछ कोई चीज़ लगती दिख नहीं रही है कि हम कौन सा थ्योरम लगाएं या क्या लगाएं. हम एक जनरल सा फार्मूला जानते हैं कि L इनवर्स f ऑफ s होता है f ऑफ t के बराबर. ठीक है, लाप्लास इनवर्स ऑफ f s इक्वल टू f ऑफ t, ये हमारा डिफिनीशन है. माई डिफिनीशन ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म. लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे यूज़ होता नहीं दिख रहा है कि हम कौन सा लगाएंगे. तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले नीचे जो दिया हुआ है इसको हम पहले पूर्ण वर्ग की तरह बना लेंगे, जैसे हम पूर्ण वर्ग बनाते थे नाइन्थ वगैरह में. तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इसको हम एल इनवर्स एस प्लस 8 इसको लिख सकते हैं एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 1 प्लस 4, 5 को ब्रेक कर रहे हैं दो पार्ट में. तो ये हो जाएगा एल इनवर्स एस प्लस 8, तो एस इस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे हमें 4 को लेना होगा आई थिंक, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर एंड देन ये हो जाएगा 1. क्लियर, अब सही है. तो एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 को हम लिख सकते हैं एस प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस ये वाला 1. ठीक है, तो ये अब दिख रहा है कुछ एस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, इसको फिर हम ब्रेक कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, एल इनवर्स तो एस प्लस 2. ठीक है, एस प्लस 2 और प्लस 6, तो ये हो जाएगा एस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 और अदर हम लिख सकते हैं इसका प्लस 6 जो बचा है वो यहाँ पे एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, अब हम इसे कैसे कर सकते हैं एस प्लस 2, तो इसको हम चाहें तो अलग अलग लिख लें तब भी हो जाएगा, या तो फिर इसको इसको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करके भी यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं. तो ये हो जाएगा सिंपली e टू द पावर माइनस 2 और l इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1. को याद होगा लाप्लास का जो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम होता है वो कुछ इसी तरीके से होता है, लाप्लास इनवर्स अगर यहाँ पे एस प्लस ए अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर और प्लस 1 हो तो हम इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस 80 प्लस और एस स्क्वायर प्लस 1. तो सेम चीज़ हम यहाँ यूज कर रहे हैं और उसी तरीके से हम यहाँ भी लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा प्लस 6 ई टू द पावर माइनस 2t और लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1. यहाँ पे हम लिख लेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी.
first is shifting properties of a property of inverse Laplace transform. तो using first shifting in property of inverse Laplace transform, तो इस तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं. अब ये काफ़ी आसान हो गया, a to the power minus c, और ये क्या है, ये हमारा cos t का Laplace inverse है. एक तरह से Laplace transform of cos t होता है s upon ये, तो उसका inverse हो जाएगा ये 6e to the power minus 2t, और ये क्या है, ये है sin t. Laplace inverse 1 upon x square plus 1 होता है simply sin t. तो इस तरीके से ये कितना आसान हो गया. तो ये रहा रिजल्ट, s plus 8 upon s square plus 4s plus 5. तो ये है इसका आंसर. ठीक है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. शुरू में यहाँ पे हम केवल इसको सेपरेट करेंगे और इसको स्क्वायर बनाएंगे, इस फुल फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में, या इसको पूर्ण वर्ग कहते हैं. तो एस प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस एक तरह से वन का स्क्वायर, तो ये वन ही होगा. तो दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, तो एट को हम टू प्लस सिक्स लिख सकते हैं अलग अलग. तो एक में हमने टू को ले लिया, फिर यहाँ से स्केल प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं इस तरीके से. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन. ये है क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस माइनस टू अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस टू एस प्लस एस माइनस वन. सो हमें फाइंड करना है लाप्लास इनवर्स ऑफ फाइव एस माइनस टू अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस टू और एस माइनस वन. ये हमें निकालना है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ तीन टर्म दिख रहा है, तो अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं. दूसरा ये है कि इसमें से हम कुछ टर्म को उठा लें और उसके बाद जो एस स्क्वायर अपॉन में दिख रहा है, तो अगर हम फिलहाल के लिए सिर्फ इस क्वांटिटी को, इतने को हम मान लें एक तरह से एफ एस जैसा, तो एफ एस बाई एस स्क्वायर है यहाँ पे. तो अगर दो बार हम प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे थ्योरम, जो एफ एस बाई एस वाला है एल इनवर्स, ये हमने पढ़ा था ज़ीरो टू टी एफ यू और डी यू. तो अगर हम एफ एस के लिए लाप्लास निकाल लेंगे, तो फिर हम उसका अपॉन में एस करके इस तरीके से दो बार अगर हम करेंगे तो निकल जाएगा. क्लियर हो रहा होगा, अगर इस पूरे को हम एफ एस समझें और अपॉन में यहाँ एस स्क्वायर है, तो एक बार जब हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे थ्योरम तो एस लिखेंगे, और दूसरी बार में जो आएगा उसको फिर एफ एस मानेंगे, फिर इसको हम एक बार और एस लेंगे तो क्या हो जाएगा एस स्क्वायर. तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे. तो चलिए पहले कंसिडर करते हैं इस टर्म को, कंसिडर 5s माइनस टू अपॉन एस प्लस टू और s माइनस वन. पहले इसको हम कंसिडर कर लेते हैं, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे. तो इतने टर्म्स का अगर हम लाप्लास निकाल पाते हैं, तो फिर अपॉन में s का थ्योरम लगा के उसको हम सॉल्व कर सकते हैं. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से पहले ब्रेक करेंगे, तो ये हो जाएगा a अपॉन एस प्लस टू और प्लस b अपॉन एस माइनस वन. तो हम इसको थोड़ा फास्ट करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप जानते हो. ये हो जाएगा बी एस प्लस टू. ठीक है, तो पुट करते हैं फिर हम s की वैल्यू वन. तो s की वैल्यू जब हम वन रखेंगे तो क्या मिलेगा, फाइव इंटू वन माइनस टू इक्वल टू, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा वन प्लस टू यानी थ्री बी. तो यहाँ से हमें मिलेगा थ्री बी इक्वल्स टू फाइव माइनस टू यानी थ्री, तो सिंपली b हो गया वन. ठीक है, उसी तरीके से अगर हम पुट करें s इक्वल टू माइनस टू इसी इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा, फाइव इंटू माइनस टू इक्वल टू, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा इस बार, तो यहाँ से मिलेगा a और माइनस टू माइनस वन, तो ये माइनस थ्री हो जाएगा, माइनस थ्री है, और ये माइनस टेन माइनस थर्टीन, माइनस टेन और ये ट्वेल्व,
कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 12 और 2 माइनस 3 ए, यानी हमें ए मिल गया 4, ठीक है। तो बी का मान 1 है और ए का मान 4, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख लेंगे 4 अपॉन एस प्लस 2 और ये हो जाएगा 1 अपॉन एस माइनस 1, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल हमने पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी वहाँ शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम यहीं पे आते हैं, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू हमें मिल गया कि ये टर्म इक्वल है इस टर्म के, तो अब हम दोनों तरफ लाप्लास लेंगे। तो लाप्लास इनवर्स 5s माइनस 2 अपॉन एस प्लस 2 एस माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4 लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस प्लस 2 एंड देन लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस माइनस 1, क्लियर। तो ये आएगा 4 और ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2t और ये हो जाएगा e टू द पावर t, सिंपली s माइनस 1, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस 2 है तो यहाँ पे माइनस 2t। तो हमें मिल गया लाप्लास इनवर्स, दिस इज इक्वल टू 4 e टू द पावर माइनस 2t प्लस e टू द पावर t। तो यहाँ पे ये जो पूरा टर्म है वो किस तरह से आ रहा है, ये एक तरह का हो गया एफ ऑफ टी, और ये जो ब्रैकेट में दिख रहा है ये पूरा टर्म किस तरह मान सकते हैं, ये हो गया एफ एस। सो एल इनवर्स एक तरह से क्या हो गया, एल इनवर्स एफ ऑफ एस इज नथिंग बट एफ ऑफ टी। तो अब हम वो थ्योरम यूज कर सकते हैं जो हमने पढ़ा है, सो बाई ए थ्योरम वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, एल इनवर्स एफ ऑफ एस अपॉन एस, तो ये हो जाता है 0 टू टी एफ यू डी यू। तो यही हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा एल इनवर्स 5s माइनस 2 अपॉन एस एस प्लस 2 और एस माइनस 1, तो एक एस यहाँ आ रहा है एफ एस अपॉन एस से, सो ये हो जाएगा 0 टू टी और एफ यू डी यू, इसको हम x के टर्म में लिखते हैं, तो एफ एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 4 e टू द पावर माइनस 2x, ठीक है dx, और प्लस e टू द पावर x dx, सो 0 टू t, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा सिंपली 4 इंटू ई टू द पावर माइनस 2x का हो जाएगा ई टू द पावर माइनस 2t बाई माइनस 2 एंड देन यहाँ पे हम पहले लिमिट भी रखेंगे, यहाँ x हो जाएगा और लिमिट होगा 0 टू t, उसी तरीके से इसका e पावर x होगा और लिमिट हो जाएगा 0 टू t। जब हम लिमिट रखेंगे पहले तो ये माइनस 2 से ये हो जाएगा माइनस 2, और जब लिमिट रखेंगे तो ये आएगा e टू द पावर माइनस 2t माइनस e टू द पावर 0 यानी 1, और ये हो जाएगा e टू द पावर t और माइनस 1, ठीक है। तो फाइनली हमें मिल गया माइनस 2 e टू द पावर माइनस 2t प्लस 2 प्लस e टू द पावर t और ये माइनस 1। तो ये सॉल्व हो जाएगा तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो हमें सिंपली मिलेगा 1 प्लस ई टू द पावर टी और माइनस 2 ई टू द पावर माइनस 2t, ठीक है। 1 प्लस ई टू द पावर टी और 2 टू पावर माइनस 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 2t, तो ये हो गया हमारा लाप्लास इनवर्स इसकी वैल्यू, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे एक ही एस है और हमारे क्वेश्चन में एक और एस है, तो हम क्या करेंगे, यही थ्योरम हम एक बार और अप्लाई करेंगे इस टर्म के ऊपर। तो चलिए फिर से वही थ्योरम यूज़ करते हैं, सेम यही वाला। सो नाउ
लाप्लास इनवर्स 5s-2 अपॉन, अब ये s स्क्वायर हो जाएगा और s-2 और s-1। अब यहाँ पे ये जो पूरा टर्म है वो fs जैसा है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 0 to t और इस टर्म को, सो ये हो जाएगा 1 e x - 2 e - 2x और dx, सेम इसी थ्योरम से, ठीक है, 0 to t fu du। सो जब हम u यूज करें चाहे x यूज करें, तो ये x के टर्म में हमने लिखा है, तो ये हो जाएगा 1 और इसको e x का इंटीग्रेशन e x, फिर -2 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e - 2x अपॉन -2 और लिमिट हो गया 0 to t। जब हम लिमिट रखेंगे तो 1 e - t और माइनस ये कैंसिल होगा तो ये प्लस हो जाएगा e - 2t, एंड देन 0 रखेंगे तो e - 0 1 माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, सो माइनस एक तरह से 1, 2 नहीं आएगा यहाँ पे, तो ये वैल्यू हो जाएगी -1 एंड देन माइनस e - ये भी 0 होगा, तो एक तरह से यहाँ से भी माइनस ही आएगा, तो फाइनली हमें मिलेगा इसका ये टी हो जाएगा या एक्स होगा, जब हम वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे टी हो जाएगा, तो -2। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, सो t + e - t + e - 2t - 2। सो लाप्लास इनवर्स 5s - 2 अपॉन s² s - 2 s - 1, तो ये रहा इसका आंसर। तो ये काफ़ी आसान था, लेकिन हमें चूज़ करना पड़ेगा पहले कि पहले हम इस टर्म का पार्शियल फ्रैक्शन करके उसका fs निकालें, और fs निकालने के बाद उसके थ्रू हम f(t) निकाल लें, एंड देन हम थ्योरम को यूज़ करेंगे दो बार बाई s वाला, l इनवर्स fs अपॉन s वाला थ्योरम दो बार यूज़ करेंगे, सो फाइनली हमें रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही और सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, सो आई होप कि दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।